मान लो जो मैंने यहां बताया था H2O और N2 मिला के हम बनाते हैं क्या NH3। ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस। ये क्या बेटा? नाइट्रोजन। और ये क्या बेटा? अमोनिया। अब कोफिशिएंट किसे कहते हैं? अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस करना आता है? देखो यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? तीन। अब ये बैलेंस करना है। यहां पे नाइट्रोजन दो है, यहां पे भी दो नाइट्रोजन होने चाहिए। तो क्या करते हैं हम? टू आगे लगाते हैं, लगा दें। अब यहां पे टू नाइट्रोजन होने, यहां पे टू नाइट्रोजन होने, ये बैलेंस किया। अब हाइड्रोजन यहां पे कितना हो गया? सिक्स। यहां पे क्या लिखेंगे? थ्री। यहां पे वन लिख सकते हैं? यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। आप देखो, देख ये जो मान है, ये जो थ्री है, ये जो थ्री आर पार्ट ऑफ इन्हें क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट। और क्या?
N2 NH3 कोई कोई रिएक्शन की चीज है ना, अगर किसी चीज को हम क्या करें कैसे देखेंगे, ये तो बहुत चेंज है, ये 3 ये 1 ये यही रेशियो बनाए, ये बनाए रेशियो बनाए, जैसे H2 का कितना रेशियो, 3 N2 का कितना 1 और NH3 का कितना 2 ये हमको रेशियो के बारे में बता दें, ये बहुत अच्छी कि किस रेशियो में हम मैं मिला रहे हैं कि हमको एलएसपी किस रेशियो में मिला है, रिएक्टेंट्स को किस रेशियो में मिला है, देखो प्रोडक्ट किस रेशियो में मिला है, ये रिएक्शन मतलब रेशियो बताती है इसका रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, तीसरी चीज क्या बताती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स यही कॉफिशिएंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता दें कि इस रिएक्शन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज हुए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के, कितने नाइट्रोजन के, उन दोनों को मिलाने के बाद कितने अमोनिया के बने, ठीक है, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के कितने कॉफिशिएंट देखो तो 3 और नाइट्रोजन कितने 1